Welcome to another episode of Showdown. हम जैसे जैसे NLU's में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे और भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके लिए लेते आते जा रहे हैं सो so, जो भी लोग अब अलॉटमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और डिस कॉलेज डिसाइड करने में बहुत सारी हेल्प चाहिए पिछले वाले वीडियोज भी देख लेना क्विकली गो थ्रू कर लेना और फिर ही अपना कॉलेज डिसाइड करना आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी आसाम के बारे में दैट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी ये पहला ऐसा एनएलयू है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी हुआ है अब अपकमिंग एनएलयू में एनएलयू यू त्रिपुरा भी आ गया है जिसने अभी रिसेंटली ही विड्रॉ किया है कंसोटियम की प्रोसेस से एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस से और लास्ट ईयर भी उन लोगों ने नोटिफिकेशन दो निकाला था बट वो एडमिशन भी उन्होंने अभी कैंसिल कर रखे हैं सो मे बी बिकॉज वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है वो लेटर ऑन एडमिशन लेगा फॉर नाउ वी हैव नॉर्थ ईस्ट रीजन में NLU जा आसाम एंड इसके बारे में समझते हैं कि भाई किस वर्क का कॉलेज है किस इयर में आप लोकेट कर सकते हो और किस प्रेफरेंस लिस्ट में आप उसे रख सकते हो लेट्स विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नो अबाउट ऑलरेडी एन एल यू गुवाहाटी के बारे में दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन टू थाउजेंड नाइन 2009 में स्टैब्लिश हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली बारह तेरह साल हो गए हैं बहुत सारे बैचेस अभी भी निकल रहे हैं इस बैच से तो परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें या ओवरऑल बात करें कि भाई कैसा है ये कॉलेज तो बहुत एवरेज फुटिंग पे अभी स्टूडेंट इनको प्रिफर कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रेफरेंस अभी दे रहे हैं कि नहीं एनएलयू एल यू जा या गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेफिनेटली ये एक लोकेशन प्रेफरेंस है स्टूडेंट्स के लिए जो कि उधर ही लोकेट होना चाहते हैं उधर ही रहना चाहते हैं सो so एनएल जा बेसिकली आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट की प्रेफरेंस में है बट ओवरऑल अगर हम एनएलयू की बात करें तो हम प्रेफरेंस लिस्ट में थोड़ा इसे नीचे रखते हैं इसके अलावा इट इज लोकेटेड इन अमीन गांव गुवाहाटी ठीक है आई होप दिएशन इज राइट हियर तो इट इज समवेयर अप्रोक्स 15 टू 16 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी तो रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है गुवाहाटी का लोकेशन है इसके अलावा और बहुत कुछ मेजर नहीं है इसमें इस तो कि आपको क्लैट देना पड़ेगा इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए और एडमिशन क्राइटेरिया भी बेसिक है 45 परसेंट फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर कैटेगरी फोर्टी परसेंट इसके अलावा जो कोर्सेज यहाँ देते हैं ये लोग बी एल एल बी एल एल एम और पी एच डी अब हम लोगों ने इतने सारे लिए थोड़ा सा पॉइंट जो अटकता है वो ये कि सिर्फ एक कोर्स का को ऑप्शन है इतने टाइम बाद भी बारह तेरह साल हो गए कॉलेज को मे भी नियर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन वो दे बट ये बहुत अच्छा एक आउटलुक होता है कि अगर कोई एन एल यू मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है तो बच्चों को चॉइसेस बहुत मिलती है इससे ऑफ कोर्स सी स्ट्रक्चर और पूल ऑफ सीट्स भी बढ़ जाता है दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट यू कैन कंसीडर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिहाइंड मी दिस इज अ लिटिल पिक्चर ऑफ द कैंपस ब्यूटीफुली लोकेटेड अमंग द हिल्स 50 एकर का कैंपस है, है, नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर के आसपास ही लोकेशन है, तो ब्यूटीफुल हिली एरिया तो लोकेशन बहुत अच्छी है एंड नॉर्थ ईस्ट वैसे ही अपनी लोकेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कैंपस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और अकेड ब्लॉक भी है अकॉर्डिंगली आपके हॉस्टल्स वगैरह भी विदिन कैंपस ही है बहुत बाहर से कोई आउटसोर्स नहीं करना पड़ रहा है जैसे हमने कुछ एनएलयूज़ में देखा था जिनका अभी भी कैंपस डेवलप हो रहा है तो ये एक प्लस पॉइंट है आपको विदिन कैंपस ही सब कुछ हॉस्टल अकेड ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक स्टेडियम कैफेटेरिया पावर हाउस सिक्योरिटी बारह गेस्ट हाउस वगैरह सब एक ही जगह कंपाइलअप मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम एंड क्वार्टर इज स्टिल फैकल्टी इज स्टिल अंडर वे मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है कैंपस अभी भी फुल फ्लेज डेवलप नहीं हुआ है लेक्स्ट <coughs> नेक्स्ट थिंग इज आसाम जुडिशियल अकेडमी इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द कैंपस विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस सो दिस कैन बी वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट जो कि इस कॉलेज में जाते हैं कि आप जुडिशियल अकेडमी के बहुत क्लोज बिस्टी में है सो मे बी ये एक तरीके का नेटवर्किंग आपके लिए प्रूफ हो सकता है कि वहां जो कैंडिडेट्स आते हैं वहाँ जो फैकल्टी पूल है और जुडिशियल एकेडमी में जो भी डिग्नेटरीज आते हैं उनका एक्सेस इस कॉलेज के बच्चों को भी मिल सकता है तो दिस इज अ वेरी यूनिक पॉइंट अबाउट एनएलयू एल गुवाहाटी जो बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं है सो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि यार हमें तो आगे जाके जुडिशरी में जाना है दिस कैन बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू

Block में आपका जहां पे आपकी क्लासेस रखती है तो क्लास रूम के में calls, uh, rooms, lounges, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ही बनाया गया है आप पिक्चर पे भी देख पा रहे होंगे की ब्यूटिफुली लोकेटेड दो बट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन मूविंग हेड की किस तरीके से मेरी कैंपस लाइफ दिखने वाली है किन किन चेहरों को मैं देखूंगा सो so, उस तरीके से आपकी कैंपस लाइफ यहाँ है पूरी स्क्रीन पे देखिए लाइब्रेरी आपके मूड कोर्ट्स एंड हेल्थ सेंटर्स वगैरह का लिटिल ग्लिम्स है यहाँ पे यू कैन टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रेफरेंस मे बी या फिर आप मेंटल नोट बना लो कि भाई यहाँ यहाँ मुझे जाना है जब मैं एन एल यू गुवाहाटी में सेलेक्ट हूंगा मूविंग अहेड की भाई चलो कैंपस पहुंच गए पढ़ाई वढ़ाई कर ली अब हॉस्टल का क्या सीन है रहेंगे कहा सो so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पूरे कैंपस विसिनिटी में ही एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और हॉस्टल्स भी हैं सो हॉस्टल्स दे हैव टू हॉस्टल्स वन फॉर गर्ल्स एंड वन फॉर बॉयज अगेन एंड अरेंजमेंट्स आर सच ऑफ नेचर दैट यू विल बी शेयरिंग इट विद अन पीपल सो वन फॉर बॉयज एंड वन गर्ल्स सिंगल एंड डबल ऑक्यूपेंसी दोनों है इनिशियली so, so, <coughs> होता यह है कि, कि किसी भी एनएलयू में अगर आप जाओ तो इनिशियल ईयरस में आपको शेयरिंग बेसिस पे मिलता है

इस फील्ड में भी आपको इतना ज्यादा प्रेशर कभी कभार फेस करना पड़ता है कि यू ऑल यू नीड इज़ वन पर्सन टू लिसन यू आउट एंड हेल्प यू आउट विद ऑल दीज थिंग्स सो हॉस्टल्स में ही इन लोगों ने काउंसलिंग सेंटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है सो so, For the students who really need and uh, want to get in touch with the counselor, can directly meet the counselor in their hostels as well for all non-academic stress and for positive outcome and behavior. So this is a very unique point jo ki humne बहुत सारे NLU में बात करी hostels की, पर नहीं देखा. So this can be one thing जो बाकी NLU's भी NLU गवार्ती से सीख सकते हैं कि इस तरीके की mental health को बहुत ज़्यादा support करना चाहिए. स्टूडेंट्स की इसके अलावा कोर मैनेजमेंट जो आपके हैं उनमें वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर वी के आहूजा रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर इंद्रनो जादास दास जो ए है असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर नंदरानी चौधरी ठीक है सो so ये कुछ कोर मैनेजमेंट है इसके आप चाहें तो इनके बारे में लिंक्डइन पे सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको पता लगेगा वेदर यू आर इन गुड हैंड्स नॉट मूविंग अहेड लाइक व्हाट इज द रैंकिंग भाई सारा वर्ल्ड डाउन यही आ जाता है एनआरआईएफ की रैंकिंग बता दो या किसी और पोर्टल की रैंकिंग बता दो कि हम ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ उसे कंसिडर कर सकते हैं सो so, अगर एनएलयू गुवाहाटी की बात करें एक चीज दिमाग में रखो देर आर मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड लॉ कॉलेजेस और उन फिफ्टीन हंड्रेड लॉ कॉलेजेस में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी हंड्रेड है सो इट इज समेयर गोइंग यू नो वेल गोइंग सो

20 to refer so ग्रेजुअली अब इसका डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे ये कॉलेज बढ़ेगा तो हो सकता है बाद में इम्प्रूव भी हो, बट फॉर नाउ दिस इज दोजिशन वेयर एन एल यू गुवाहाटी stands. तो so, ये सारी चीजें आपकी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर uh, या बहुत अलग अलग चीजें अकेडमिक प्रोग्राम हाउ द स्टूडेंट आर परफॉर्मिंग देयर, आर द इंटर्नशिप को कंसिडर करके की जाती है तो दिस कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया बट येट अगैन इट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू जज कॉलेज आपने इंफ्रा देखा है आपने कोर मैनेजमेंट देखा है सारी चीजों को बैलेंस आउट करके ही कभी कोई कॉलेज चूज किया करो ओके okay? मूविंग अहेड बात करते हैं कि भाई अगर मैं जाना भी चाहता हूं तो कितनी सीट्स अवेलेबल है एनएल गुवाहाटी में जाने के लिए ओके सो लाइक आरएमएल लखनऊ एंड एम एन एल यू हमने ये देखा था कि वहां पे भी स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन काफी ज्यादा है और एन एल यू गुवाहाटी के साथ में भी यही कुछ सीन है कि एनएल गुवाहाटी में स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन काफी ज्यादा है शेड्यूल ऑफ आसाम की फोर सीट है शेड्यूल ट्राइब हाथ में डिवाइडेड इंटू टू हाफ इज शेड्यूल प्लेन एंड शेड्यूल ट्राइब हिल्स इन दोनों कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली मिला के नौ सीटें हैं एंड ओबीसी नॉन uh, लेयर के लिए 16 सीट्स हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो वर्टिकल रिजर्वेशन आपका हो गया कि भाई कास्ट के बेसिस पे डिविजन एंड हॉरिजॉन्टल सारे uh, आपकी जितनी भी वर्टिकल डिविजन है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल होते हैं जैसे पीडब्लू हो गया या विमेन कैटेगरी हो गया तो हॉरिजोंटल डिविजन परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम के लिए है 5 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है 5% अमंग्स दी ऑल सीट्स ओके सो एप्रोक्सीमेटली आपकी 60 सीट है अब ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसलिए है बिकॉज़ अब बाकी एनएलयू के कंपैरिजन में देखो तो एवरीवन इज गिविंग एट लीस्ट 120 240 सीट्स तो बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है एक बच्चे को एनएलयू में एंटर करने का रीजन आर बीजन की मल्टीपल कोर्स में चेंज लाते हैं, या तो पूल भी इंक्रीज हो सकता है बट इट्स आई थिंक एवरी वन नीड्स अ बेटर सीट स्ट्रक्चर इन दिस केस बिकॉज एक सौ बीस दो सौ चालीस सीटें तो होनी चाहिए इतने सारे बच्चे क्लाट का पेपर देते हैं सबको चांस मिलना चाहिए एल यू में जाने का बट अब अगर हम चांस की बात ही कर रहे हैं तो ये पता लगना चाहिए कि भाई कहां तक मुझे चांस मिल सकता है या कौन से रैंक पे मुझे एनएल गुवाहाटी मिल सकता है सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया अन कैटेगरी की सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो

2020 में जनरल कैटेगरी की रैंक 1584, 21 में 1659 फिफ्टी में 1979, ओके स्कोर एज ऑलवेज हमको याद है कि 22 में ऑफिशियल स्कोर लिस्ट नहीं निकाली गई थी तो उसपे कमेंट करना जरूरी नहीं है और का थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया लेके लगाओ कि सेवेंटी थ्री से लेके सेवेंटी सेवन का स्कोर पूल आपका एटलीस्ट होना चाहिए मतलब सेवेंटी से लेकर अगर एट्टी के बीच में स्कोर पूल है अपना तो so, अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपन को एनएलयू गुवाहाटी एंड फॉलोइंग एनएलयूज मिल सकते हैं इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी की जर्नल में कोई रिजर्वेशन नहीं है जो भी रिजर्वेशन है आपका आसाम कैटेगरी की ही रिजर्वेशन में दिया गया है ओके okay? सो so, आसाम कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो एस टी की रैंक फिफ्टी थाउजेंड गई है ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी वन में फोर्टी सिक्स थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में फोर्टी वन थाउजेंड ओके फोर्टी थाउजेंड से लेकर फिफ्टी फाइव थाउजेंड के बीच में वो फूल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस टी प्लेन की जो है फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड थाउजेंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस टी आसाम हिल की 29717 ये ब्लैंक इसलिए है बिकॉज़ 2020 में कोई रैंक ही नहीं गई थी मतलब हो सकता है कि एसटी आसाम हिल्स में से किसी कैटेगरी में बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है सिमिलर द केस फॉर 2022 एज़ वेल well. ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें आसाम में तो 46000 48000 एंड 39000 रेस्पेक्टिवली 2021 और 22 में गई है ठीक है So इन जर्नल रिजर्व कैटेगरी का थोड़ा सा अपर एंड पे रहता है रैंकिंग और यहाँ पे भी अपन देख पा रहे हैं कि स्कोर पूल बहुत ज्यादा नहीं है आठ दस नौ नंबर पे भी जो हाईएस्ट रैंकिंग है उसपे भी आपको एनएलयू मिलने के चांसेस होते हैं सो दिस अ गुड न्यूज फॉर ऑल द पर्सन अप्लाइड इन दिस कैटेगरी अब भाई पहुंच गए एनएलयू देख लिया कैंपस अब बात करो कि पैसा कितना लगने वाला है यहां सो टेंटेटिवली so, जितने भी एनएलू हैं उनका पूल स्ट्रक्चर या जो आपका पैसा होता है या फीस स्ट्रक्चर होता है वो पूल अप्रोक्सीमेटली ढाई से तीन लाख के बीच में ही अब वेरी करता है और हर एनएलओ कुछ टाइम बाद अपनी फीस बढ़ाता है कुछ एनएल हर साल कुछ परसेंट फीस बढ़ाते हैं सो रीड दी डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग क्या आपको याद हो कि भाई हाँ मेरे हर फीस स्ट्रक्चर बढ़ाए बाद में नहीं बोल सकते कि अरे यरे कैसे बढ़ा दिया इन्होंने तो बताया ही नहीं था हर एनएलईओ के ब्रॉशर में उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह चीज मेंशन होती है सो so, अभी जो फीस स्ट्रक्चर उन लोगों ने अपने रिसेंट ब्रॉशर में मैंशन किया है वो अप्रोक्सीमेटली टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड है आपका पर एन एम ठीक है पर एनएम मतलब दो सेमेस्टर की फीस है ये टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड अब इसमें जनरली आपको टू वे में देनी पड़ती है मतलब एक सेमेस्टर की फीस एक साथ जो अप्रोक्सीमेटली बड़ा सेमेस्टर होता है उसमें कुछ लैक्स में जाती है वन लैख समथिंग एंड देन छोटा सेमेस्टर जो आपका होता है उसमें आपको थोड़ा कम सेवेंटी एटी जरूरी रिमेनिंग अमाउंट आपको देना पड़ता है सो अप्रोक्सीमेटली वही हो गया आपका टू लैख फोर्टी फोर थाउजेंड इसके एडिशन में आपके जो भी रेजिडेंस के खर्चे हैं वो लगेंगे इसमें सब कुछ इंक्लूड है हॉस मेस हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है पर इस एडिशन में अगर आप बाहर जाते हैं घूमने फिरने जाते हैं तो वो सब आपका एडिशनल खर्चा है तो उस हिसाब से ही कैलकुलेट करना कि की अप्रोक्सीमेटली तीन लाख का खर्चा हो जाता है किसी भी कॉलेज में फीस पता चल गई भाई कैंपस पता चल गया अब वहां जाके करना और क्या क्या है सिर्फ पढ़ना तो नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैटर करती हैं अभी कुछ टाइम से एन गुवाहाटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अवार्ड में इन कंपैरिजन टू दी अदर जो आपके ट्री एन एल है जिनके पास में अभी इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है ना उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखता है ना ही ब्रॉशर में वो लोग बहुत ज्यादा मैंशन करते हैं पर एन गुवाहाटी में काफी क्लियरली इन लोगों ने मैंशन कर रखा है फॉर एग्जाम्पल दैट इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है अभी वीरा जो के एन एल आसाम कंडक्ट कराता है इसके अलावा जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सीरीज है इनकी अर्जुन 2019 में स्टार्ट हुई थी बेस्ट मेमोरियल अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है इन लोगों को वर्चुअल नेशनल कोड कॉम्पिटिशन जो कि एस एल एस नागपुर ने ऑर्गेनाइज कराया था बेस्ट नेगोसिएशन प्लान दे द थर्ड बेस्ट टीम इन कोड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई लीगल सर्विस एट और लीगल सर्विस डे बाई जे बी लॉ कॉलेज गुवाहाटी सो यस

You you can one of these images maybe later on we will really glad to put you here। स्पेशली फूडेंट जो रिसर्च वगैरह में या फिर एक पर्टिकुलर नीच फील्ड में शुरू से बहुत काम करना चाहते हैं तो ये सेंटर्स एंड क्लब वहां पे बहुत काम आते हैं However, कौन सा सेंटर कितना एक्टिव है वो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलती है उस कॉलेज में जाने के बाद में बिकॉज वो सेंटर बंद तो जाते हैं पर उसमें अगर स्टूडेंट ही एनरोल नहीं है वो उसकी तरफ काम नहीं कर रहे तो वो सेंटर बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग नहीं होता है ओके सो देर आर सम ऑफ द समर्स दैट यू कैन नेम इन फ्रंट ऑफ मी दैट इज क्लिनिकल लीगल स्टडीज एंड लीगल एड सेंटर ज वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड सो यस आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये सेंटर चूज कर सकते हैं तो ये सेंटर्स इन क्लब थोड़ा सा होराइजन बढ़ा देते हैं किसी भी एन एल यू काट वन प्लस पॉइंट टू गो फॉवर्ड विद नेक्स्ट मेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सबके लिए मैम प्लेसमेंट क्या लगेगा इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी हाई स्टडीज का क्या स्कोप है वो लोग कंसिडर करते हैं एनएल के बच्चे एनएल गुवाहाटी के बच्चे की नहीं सो so, एन में ऑल दो इन लोगों की रैंकिंग कुछ अच्छी प्लेस नहीं हुई या फिर कुछ प्लेस ही नहीं हुई हम कह सकते हैं बट

टॉप एनएलूज अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली गिर रहे हैं सो so, ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट है थोड़ा सा फोकल पॉइंट भी है एनएलूज के लिए जो कि उनको ध्यान देना चाहिए सो फोर जीरो एंड वन दिस इज स्ट्रक्चर हाउ द प्लेसमेंट इज लुकिंग राइट नाउ एंड मे बी एन आर आई एफ रैंकिंग में भी ये चीज शो हो रही है मीडियम सैलरी जो मिली है इन चार बच्चों में अप्रॉक्सीमेटली सिक्स लाख ,00 है और एक जो एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है उसकी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड के आसपास पर एनम सैलरी है इसके अलावा बहुत मेजोरिटी ऑफ बच्चे हायर स्टडीज में गए हैं ठीक है सो so, हर लॉ कॉलेज का एक थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है या तो कॉपोरेट कल्चर या प्लेसमेंट कल्चर बहुत अच्छा होता है या फिर हायर स्टडी पे थोड़ा सा हायर एंड पे होता है यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा हमने जितने भी सौकी शॉर्टाउन में हायर स्टडी का पुल थोड़ा कम और कॉपोरेट का थोड़ा ज्यादा था यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है हायर स्टडी में अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट गए हैं देन इन जुडिशरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एन एल कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू बट अगर आप कॉपोरेट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है मे बी आने वाले टाइम में ही प्लेसमेंट इंक्रीज हो सकता है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है बिकॉज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन How good pool of student is going there, okay? So ये सारी factors ध्यान में रखना। इसके अलावा, uh, towards the end कुछ FAQs आप लोगों के ही यहाँ पे uh, पढ़ते हैं। Is it worth joining NLUJ? I think इसका answer आपको entire video में मिल गया होगा, because you are the one who is going to make this decision for yourself. आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी सब लोगों की बात सुननी है और अपना खुद का एक डिसीजन बनाना है सो so, इस पूरी स्लाइड को चाहे दोबारा देख लो हर एक पॉइंट को बैलेंस आउट कर लो और फिर डिसाइड करो इज इट वर्थ वर्स एन और नॉट हाउ फार इज एलूजा फ्रॉम द मेन सिटी हाउ इज द कनेक्टिविटी सो अप्रोक्सीमेटली जो मेन रेलवे स्टेशन है आजाम का वहां से 15, 16 किलोमीटर है सो आई थिंक कम्युनिकेशन तो बहुत इजी होगा आपको आजकल कैब मिल जाती है ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं और कोई भी एनएलू आप देखो कोई भी NLU, जो आउटर सिटी में लोकेटेड है वो एटलीस्ट दस से बारह किलोमीटर बाहर ही होता है सो कनेक्टिविटी हियर हाउ इज द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप रिकॉर्ड ऑफ जा दैट वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखी कि प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की अगर अपन बात करें या सिर्फ प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो ना ना थोड़ा बैलेंस है मतलब एक्सट्रीम में अच्छे नहीं है कॉपरेट प्लेसमेंट की अगर बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा ड्रॉबैक इस कॉलेज में यहाँ पे देखने को मिलता है सो यू कैन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली एंड ऑल्सो वेन यू स्टार्ट ह्योर एडमिशन प्रोसेस एंड यू फेस एनी डिफिकल्टी हेयर आर द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ दी सी रजिस्ट्रार एंड टीम आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी डिफिकल्टी हो यू कैन रीच दउट

Don't forget to subscribe Legal Edge. Thank you so much.